धनबाद में कोयले के अवैध कारोबार पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। एसडीएम प्रेम कुमार तिवारी के नेतृत्व में गोविंदपुर थाना क्षेत्र के घोड़ा मुर्गा में कोयला लदे 6 ट्रक, एक जेसीबी, एक पिकअप वैन जब्त किया गया है। वहीं 8 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। बताया जा रहा है कि झरिया इलाके के सिंह बंधुओं के आउटसोर्सिंग से हाइवा के माध्यम से डिपो में कोयले का भंडारण किया जा रहा था और वहीं से विभिन्न ट्रकों में कोयले को लोड करके देश के अलग अलग राज्यों में डिस्को पेपर के माध्यम से उसे भिजवाया जाता था। ये आज तड़के सवेरे वरीय पदाधिकारी धनबाद अनुमंडल पदाधिकारी के नेतृत्व में औचक निरीक्षण किया गया। उस निरीक्षण के क्रम में गोविंदपुर के घोड़ा मुर्गा वाले क्षेत्र में डंप किया हुआ कोयला पाया गया है और उसके साथ ही 6 गाड़ी कोयला सड़क के किनारे पाया गया है और इस पर हम लोग जो है सो जांच कर रहे हैं। जांच करने के बाद जो उचित होगा उसकी कार्रवाई की जाएगी।